नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPA24। जन सुराज राज्य स्तरीय कार्यवाहक समिति सुपौल की आयोजित बैठक में जन सुराज राज्य स्तरीय कार्यवाहक समिति जिला सुपौल के लिए 36 सदस्यीय समिति की सूची जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार राय जन सुराज सुपौल द्वारा जारी की गई, जिसमें प्रमुख रूप से निर्मली प्रखंड प्रमुख राम प्रवेश यादव का नाम शामिल। श्री राम प्रवेश यादव ने राजद की प्राथमिक सदस्यता को छोड़कर प्रशांत किशोर की नीति से प्रभावित होकर जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा जिला सरपंच संघ अध्यक्ष जय कुमार भगत, पूर्व आईएएस पदाधिकारी हरिनारायण पासवान, पूर्व आईआरटीएस महेंद्र मेहता, पूर्व मुखिया इंद्रदेव साह, बसंतपुर प्रखंड के अभय कुमार सिंह, प्रतापगंज के जिला पार्षद निधि नैन, बिहार तैलिक समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद साहू, पूर्व नगर पंचायत बीरपुर अध्यक्ष सुल्ताना परवीन मीनू वर्मा, राजू खाना छातापुर, शशिमाला कुमारी, तपेश्वर मिश्र जो बहुत ही अनुभवी पत्रकार इत्यादि लोग शामिल हैं। स्वरूप तो आज जो नए पदाधिकारी बनाया गया है प्रदेश के लिए, तो उन सब के लिए आज बैठक की गई थी कि उन लोगों को सम्मानित किया जाए नए पदाधिकारियों के लिए। कितने पदाधिकारियों का चयन हुआ है आज जन स्वराज में? कितना? 32। जिला से कुल 36 पदाधिकारियों का चयन किया गया है। आपका शुभ नाम सर? कृष्ण कुमार राय। जो राजवाह जन सुराज का राज्य कार्यवाहक समिति बनी है सुपौल जिला से 36 साथी, जो हमारे वरिष्ठ साथी अभिभावक है, एक कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें भी हम सम्मानित करके प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में सुपौल जिला में जन स्वराज को हर घर जन स्वराज पहुँचाने का काम करेंगे। और मुख्य रूप से 2 अक्टूबर को जो जन स्वराज स्थापना अधिवेशन है, उसमें किस तरह से हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा झोंक करके सुपौल जिला को अपनी उपस्थिति के मामले में काज करके उत्तर बिहार में नंबर 1 पहुँचावे, इस पर भी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड सब साथी आपस में विचार विमर्श करेंगे। और हम लोग उसी जज्बा के साथ, जिस जज्बा के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, घर हर घर जन स्वराज पहुँचाने में भागीदारी, उसी तरह से पटना में भी हम लोग बिगुल टूटने का काम करेंगे। डॉक्टर रमन कुमार, जिला कार्यालय प्रभारी, जन स्वराज अभियान समिति सुपौल। स्वरूप यही है कि राज्य स्तरीय जो चयन समिति का गठन किया गया है, उसमें मेंबर बनाया गया है, उसका लिस्ट प्रस्तावित किया जाए, सबके समक्ष रखा जाए, सबको इससे रूबरू किया जाए, मुख्य ये बिंदु है। उसके बाद जो पार्टी का गठन होने जा रहा है 2 अक्टूबर को, एक ऐतिहासिक पल है वो, उसमें कितने सदस्य, कौन सदस्य, कितने व्यक्ति को वहाँ ले जाएंगे, इस संबंध में सबसे जानकारी लिया जाएगा। बैठक का मेन मुद्दा यही है कि कितने लोग वहाँ उपस्थित होंगे और उस कार्यक्रम को सुपौल जिला के स्तर से जो भी जाएंगे, जो हमारा टारगेट है, उतना हम वहाँ अचीव करेंगे, उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप अपना परिचय? मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंह हुआ, हम जिला महिला अध्यक्ष हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है इधर। मोहम्मद शमसुर जमा, बाजू खान, पिता अकील अहमद। बनवा जी आप ये आपने आई इंस्पेक्टर। आज का स्वरूप मुख्य रूप से राज्य स्तरीय कार्यवाहक समिति का जो हम लोग चयन किए हैं, उसका प्रारूप का सूची जारी करना था। और जन स्वराज के संबंध में आप लोगों को भी पता है, 2 अक्टूबर को हम लोग एक अधिवेशन का जो रूप है उसमें हम लोग की भागीदारी क्या होगी, अधिक से अधिक जाएँ, ये मुख्य रूप से लेना है। अपना परिचय? पवन कुमार गुप्ता, जिला प्रवक्ता। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जी 24।